सो हेलो एवरीवन, दो क्वेश्चन दिए थे वो पढ़ते हैं अपन, वो करते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन चालू करेंगे। इफ 100 टाइम्स दी 100th टर्म ऑफ एन एपी विथ नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस इक्वल्स 50 टाइम्स इट्स 50th टर्म, देन द 150th टर्म ऑफ दिस एपी इज। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ना। और ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो मेंस में आता भी है और आया भी है। खैर उस समय जो है वो AIEEE हुआ करता था। तो आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि 100 टाइम द 100 टर्म, 100 टाइम्स, पार्डन, दी 100th टर्म। 100th टर्म क्या होता है? ए प्लस 99 डी। समझ में आ रहा है ना? ए अरिथमेटिक मीन में 100 डी होता है। अगर आपको 100th अरिथमेटिक मीन बोलता ना तो आप ए प्लस 100 डी लिखते। बट अपन अभी क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल 100th टर्म जो अपन ने क्लास 10th में भी पढ़ा था। इफ 100 टाइम्स द 100th टर्म ऑफ एन एपी विथ नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली इक्वल्स 50 टाइम्स इट्स। ओके ठीक है, वी गॉट इट। दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर वन। फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है वो मैंने आपको बता ही दिया। यही है क्या अपना क्वेश्चन? देन द 150th टर्म, आपको 150th टर्म, हाँ अद्वैत, मैंने आपकी पीडीएफ देख ली। आपकी पीडीएफ जब आई थी उसी वक्त मैंने खोल के देख लिया था आपने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, इनफैक्ट सबकी पीडीएफ देख ली जिन्होंने अभी अभी भेजा है आज के दिन, तो उनकी तो ऑब्वियसली मैं अभी नहीं देख पाऊंगा, शाम को देखूंगा। ठीक है अमर, आपके क्वेश्चंस मैंने चेक किए, आपके जो प्रॉब्लम्स है वो मैं बताऊंगा अभी ना। 5 9 45, 5 4 20 प्लस 4 कितना होता है? 2 4 50 आ जाएगा, ये इंटू डी। सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा 100A - 50A ये फटाफट सॉल्व करना होता है ना। दिस इज इक्वल टू, ओ देखिए 9 9 50 - 2 4 50 कर लेते ना। 0 0 10 में से 5 गया 5, इधर बचेगा 8, 8 में से 4 गया 4। सही है क्या? हाँ इधर बचेगा 9 में से 7। 50 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? ए प्लस 1 4 9 डी, दिस इज इक्वल टू 0 है ना। अच्छा ध्यान से देखेंगे, अगर अपन बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो यही आपके सामने जो है, दिस इज 150th टर्म। 150th टर्म जो है, अब 50 into A150 अगर 0 दिया है, इसका मतलब डेफिनेटली A150 ही 0 होगा, 50 तो 0 हो नहीं सकता है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, मतलब जेई के पेपर में जो वेरी इजी वाला सेक्शन होता है ना उसमें यह माना जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपको 30 सेकेंड से ज़्यादा लगते हैं तो इट इज़ अ फेलियर। समझ में आ रहा है ना? अपन क्विज क्यों करते हैं? क्विज में आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े लेंदी होते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी डालता हूँ मैं, ताकि आपको पता चले कि नहीं वो 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, है ना। तो वो टाइम मैनेजमेंट अपने को यहीं से सीखना है। अगला देखते, इफ द सेकेंड फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ अ नॉन कॉन्स्टेंट एपी, नॉन कॉन्स्टेंट मतलब उसका कॉमन डिफरेंस डेफिनेटली 0 नहीं है। ये तो खैर लिखना पड़ता है ना, वरना अपवाद हो जाता है। अपवाद मतलब एक्सेप्शन हो जाता है। एपीआर इन जीपी, अच्छा देन द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, वेरी गुड। तो ये सेकंड वाले का सॉल्यूशन देख लीजिए, कौन कौन से टर्म है, टर्म नंबर सेकंड फिफ्थ एंड नाइन्थ। तो सेकंड फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपीआर इन जीपी, एपी के सेकंड टर्म क्या होता है? ए प्लस 1 डी, फोर्थ टर्म ए प्लस 4 डी और नाइन्थ टर्म ए प्लस 8 डी। ठीक है एक मिनट सोचने दो, थोड़ा सा और अपन कुछ अच्छा तरीका सोच सकते हैं तो वो भी मैं सोच रहा हूँ। इक्विडिस्टेंट ये तीनों टर्म्स नहीं है। ओके देन द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, क्वाइट इजी आई गेस। है ना, आप लोग क्या करो, सुनो मेरी बात, जब भी आपके पास 3 नंबर्स जीपी में होते हैं तो आप क्या करते हो, सेकेंड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर ये कॉमन रेशियो होता है, दिस इज द कॉमन रेशियो, और थर्ड नंबर अपॉन सेकेंड नंबर भी कॉमन रेशियो होता है। तो कॉमन रेशियो और कॉमन रेशियो बराबर होते हैं, तो वही अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये वाला सेकेंड वाला ए प्लस 4 डी अपॉन ए प्लस डी, दिस मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस 8 डी अपॉन ए प्लस 4 डी। आया क्या समझ में? हाँ अभी आपको क्या करना है, अभी आप बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं ना, इस पॉइंट पे बच्चे गिव अप कर देते हैं कि बाप रे इतना सारा कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा है ना। तो यही टर्निंग पॉइंट हो जाता है, आप ऐसा ना करें, सॉल्व कर लोगे आप इसको आराम से। देखिए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 16D² प्लस 2 इंटू AD तो आएगा और फिर 4 भी आएगा, तो 8 AD आ जाएगा और
समझ में आ गया ना, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो स्क्वायर आ गया, वो मैंने फटाफट कर दिया। फिर ए प्लस डी इंटू ए प्लस एट डी, ए प्लस डी इंटू ए प्लस एट इंटू डी, ये करना है अपने को। तो देखिए ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, फिर ए इंटू एट डी करेंगे तो एट इंटू ए इंटू डी आ जाएगा, वेरी गुड। फिर डी इंटू ए करेंगे तो ए डी आ जाएगा, और फिर डी इंटू एट डी करेंगे तो एट इंटू डी इंटू डी, मतलब डी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर उड़ा दो, एट ए डी उड़ा दो, 16d² - 8d² विल बी 8d², और ये ए डी को भी इस तरफ बुला लो, माइनस ए डी दिस इज इक्वल टू जीरो। क्या कॉमन ले लो यहाँ से, डी कॉमन ले लेते, तो क्या आ जाएगा 8d - a इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका कॉमन डिफरेंस या तो जीरो हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता है क्योंकि आपको बोल रखा है कि नॉन कांस्टेंट एपी है ना। नॉन कांस्टेंट मतलब क्या होता है ना, कि मान लीजिए मेरे पास ये टू 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 टू, ये भी तो एक एपी है बट इट इज अ कांस्टेंट एपी। क्यों कांस्टेंट क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो जीरो है, टर्म्स जो है वो कांस्टेंट है, ना तो इंक्रीज हो रही है ना तो डिक्रीज हो रही है, जैसी है वैसी ही चल रही है, तो ये कांस्टेंट एपी है। और डी अगर पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग डीपी, नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग डीपी, वो सब तो खैर कॉमन सेंस की बात है। तो डी जीरो तो हो नहीं सकता, मतलब 8d डेफिनेटली ए के बराबर होगा, मतलब d डेफिनेटली नहीं, ठीक है ना, हाँ 8d ए के बराबर होगा। तो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो कॉमन रेशियो विल बी सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो ए की जगह, ए फॉर आगरा की जगह आप 8 times d लिख दो, तो 8 times d प्लस 4 times d डिवाइडेड बाय 8 times d प्लस डी, सिंपल राइट, ठीक है। तो उधर आ जाएगा आपके पास 12 times d, उधर आ जाएगा 9 times d, डिस्काउंट डिस्काउंट 12/9 शुड बी द आंसर। इसको अपन और सिंपलीफाई कर सकते हैं, 3 4 12, 3 3 9, 4/3 शुड बी द कॉमन रेशियो दिया है, ठीक है। चलिए तो लास्ट थिंग जो अपन ने हाईलाइट्स ऑफ जीपी पढ़ी थी, 4 terms 5 terms, फिर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया था ना, तो हाईलाइट्स ऑफ जीपी में, ठीक है, ऑलमोस्ट अपन ने सारा कुछ पढ़ लिया है, एक दो चीज और पढ़ लेते हैं। हाँ दोनों इजी लगे ना, दोनों इजी थे। देखो मैं आपको है ना मेंटालिटी बताता हूँ, व्हाट इज द मेंटालिटी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये टैलेंट से ज्यादा ना आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का एग्जाम है, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, है ना, क्योंकि आप ये वाला कैलकुलेशन देख के घबरा गए, अगर आपको लगा कि आप नहीं कर पाओगे आगे तो फिर नहीं कर पाओगे। आपको सोचना कि नहीं ठीक है ये तो अपने को करना ही करना था, ये स्टेप मैंने जो करा है वो गलत नहीं है, तो आगे सॉल्व करता हूँ क्या पता आंसर आ जाएगा, देखिए कितना प्यारा आंसर आ गया आगे। तो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग, है ना, गो विद द फ्लो, आपको रुकना नहीं है बीच में। लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, हाईलाइट्स लिखी थी अपन ने, उसी का कंटिन्यूएशन है बेसिकली, लेकिन अब बीच में क्वेश्चंस आ गए तो मैं प्रॉपर्टीज करके थोड़ा और स्टाइल मार के लिख देता हूँ यहाँ पे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। ठीक है, आपको आवाज में अगर डिस्टरबेंस आएगा तो बता देना किसी भी तरह से, मुझे ही बता दिया करो यार, है ना, क्योंकि मुझे सर ने बताया कि आवाज नहीं आ रही थी आज, ठीक से। हाँ जी लिखिए मेरे साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। मैंने आपको ये लिखवाया था कि अगर कुछ टर्म्स जीपी में है, इफ सम टर्म्स आर इन जीपी, तो अगर अपन उसमें कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, ये लैम्डा 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 मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी वो जीपी में रहता है ना। तो अपन कुछ और बातें लिख लेते हैं, अगर आपके पास 3 नंबर जीपी में, जैसे कि 2 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 32, सो ऑन, ऐसी एक रैंडम से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कमेंट्स आपके बाद में पढ़ूंगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा है, जीपी में कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा यार, जीपी में कॉन्फिडेंस अभी चालू हुआ है, जीपी फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर है अपना अभी। तुम लोग यार एक तो बहुत जल्दी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो, इतना टेंशन मत लिया करो, 51% फ्रेम ड्रॉप्ड, देख लेने दो यार। अब ये तो मैं अभी नहीं कर सकता ना, लाइव लेक्चर चल रहा है, बट विल सी। हाँ जी, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर ये जीपी लिखा है मेरे सामने, और अगर मैंने सारी टर्म्स पर कुछ कांस्टेंट पावर चढ़ा दिया, कुछ भी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट पावर, नॉन जीरो ऑब्वियसली, नॉन जीरो या तो फिर चलो
कुछ भी पावर चढ़ा दिया, मान लो यहाँ पे मैंने पावर चढ़ा दिया मसाले का, मसाले का, तो अभी जो मेरे पास नई सीरीज बन रही है, सीरीज नहीं बेसिकली जो नया प्रोग्रेशन बन रहा है, क्या वो अभी भी जीपी है? इज इट स्टिल अ जीपी? यस इट इज। अभी लेक्चर बफर नहीं करेगा, है ना, 1000 के ऊपर स्पीड है, ये अभी भी जीपी है। क्यों? क्योंकि आप करके देख लो, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 4 की पावर m/2 की पावर m, और फिर उसके बाद थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा, 8 की पावर m/4 की पावर m, और फिर फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, ये सारे सेम आने चाहिए। लेट मी चेक कि ये सेम आता है कि नहीं आता है। ये आ जाएगा 2 to the power m, ये 4 to the 8, अगेन 2 to the power m, 8, मैंने कुछ 4 to 16 आना चाहिए ना इधर, वही तो मैं सोचू यार, है ना। तो ये 2 to the power m, सबके सब बराबर आ रहे हैं, है ना। तो ये बराबर आ रहा मतलब दिस इज स्टिल इन जीपी। तो क्या अपन इसको पॉइंट बना के लिख दें? क्या लिखूंगा मैं, अगर एबीसी जीपी में है ना, लिखिए, इफ A1, A2, A3 आर इन जीपी, देन अगर मैंने सब में कांस्टेंट पावर चढ़ा दिया, A1 की पावर में मसाला और A2 की पावर में भी मसाला, A3 की पावर में भी मसाला, तो ये वाली जो चीज आएगी आएगी ये भी जीपी में आएगी। कितनी जोर से चिल्लाते हैं यार ये लोग। आर ऑल्सो इन जीपी, ओके, दे आर ऑल्सो इन जीपी। प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहां लिख लो, जो मसाला है दैट शुड बी अ रैशनल नंबर, सिंपली एम शुड बिलोंग्स टू सेट ऑफ क्यू, लिख दो वेयर मसाला बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि मेरे पास 2 जीपी है, पहली जीपी है मेरे पास 2, 4, 8, 16, आया समझ में, और दूसरी जीपी है मेरे पास, दिस इज जीपी नंबर 1, दिस इज जीपी नंबर 2, जीपी नंबर 2 क्या है मेरे पास, 3, 9, 27, 81, आ रहा है क्या समझ में? अच्छा इसका कॉमन रेशियो कितना है, हाँ 2, और इसका कॉमन रेशियो कितना है, 3। अच्छा अगर मैंने क्या करा है, इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं समझ नहीं रहे हो आप लोग, फिर से देखो, अगर मैंने इनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 3 से, 4 को 9 से, 8 को 27 से, एंड सो ऑन, तो नई सीरीज जो बनेगी 2 × 3, 4 × 9, 8 × 27, 16 × 81, यहाँ डॉट 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 लगा दो, क्योंकि सीरीज या प्रोग्रेशन जो भी बन रहा है अपना वो एंडलेस है। तो ये वाला जो प्रोग्रेशन बना है ये भी जीपी में होगा, मतलब अगर आपने 2 जीपी को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास जो रिजल्टेंट जीपी आएगी वो भी, रिजल्टेंट प्रोग्रेशन आएगी वो भी जीपी में होगा। करके देख लेते हैं, अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो अपन क्या करते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, मतलब 4 × 9 / 2 × 3, दिस शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, मतलब 8 × 27 डिवाइडेड बाय 4 × 9, दिस शुड बी इक्वल टू फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय द थर्ड टर्म। ये देखते हैं क्या बराबर आ रहा है, अगर बराबर आ रहा है तो ये भी जीपी में होगा, तो फिर अपन इसको अंग्रेजी में लिख लेंगे, ठीक है। 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 6, यहाँ पे देखते हैं, 4 × 2 = 8, 9 × 3 = 27, अगेन 6, और 8 × 2 = 16, 27 × 3 = 81, 6, मतलब कॉमन रेशियो जो है वो क्या आ गया, दोनों के कॉमन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो इसको अंग्रेजी में लिख दूं मैं पक्का, चलिए लिखे, इफ A1, A2, A3, A4 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड B1, B2, B3, B4 आर ऑल्सो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन A1 × B1, A2 × B2, A3 × B3, A4 × B4
आर ऑल्सो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये वाला ऑल्सो हटा दो, ठीक है? तो दो दो प्रोग्रेशन को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन होगा वो भी क्या होगा, जीपी में होगा। आर वुड बी आर वन इंटू आर टू, ठीक है? अब मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ बहुत देर से। सर बफर हो रहा है, ठीक है अभी बफर नहीं हो रहा ना, हो रहा है तो फिर से कमेंट करना, विल डू समथिंग। थर्ड पॉइंट लिखे, बहुत ही प्यारा पॉइंट है थर्ड। थर्ड एंड फोर्थ दो पॉइंट लिखवाता हूँ फटाफट, अपन इसको खत्म करते हैं फिर। देखो भाई, अगर ठीक है, मैं पहले आपको है ना एग्जांपल समझा देता हूँ, फिर उसके बाद अपन उसको इंग्लिश में लिख लेंगे। मान लीजिए मेरे पास थ्री नंबर है, 2, 4, 8, ये तीनों जीपी में है क्या? हाँ बिल्कुल। कॉमन रेशो क्या है? 2। कैसे पता चला? अरे यार 4/2 कर लो, 8/4 कर लो, कुछ भी कर लो ना, आगे वाला टर्म माइनस अपॉन पीछे वाला टर्म, आगे वाला टर्म अपॉन पीछे वाला टर्म, मॉड्यूल में बता देता हूँ मैं ना, उसका टेंशन मत लो आप लोग। तो ये भी जीपी में है। अच्छा अगर मैं इन तीनों नंबर्स का लॉग लेता हूँ, मतलब लॉग 2, लॉग 4, लॉग 8, अरे यार ये तीनों का अगर मैंने लॉग ले लिया, तो अब ये जो रिजल्टिंग लॉग आया है मेरे पास वो एपी में है या जीपी में है, ये अपने को चेक करना है। तो मेरी बात समझो, अगर हमारे पास ये तीन नंबर्स जीपी में है तो उन तीनों का लॉग लेने पर जो तीन नए नंबर्स आएंगे वो एपी में आएंगे, है ना? भरोसा नहीं होता तो चेक कर लेते। अगर ये तीनों नंबर वाकई में एपी में है तो क्या होना चाहिए? बीच वाला नंबर जो होना चाहिए, दैट शुड बी द एवरेज ऑफ कॉर्नर नंबर्स, है ना? तो बीच वाला क्या हो जाएगा? लॉग 4। लॉग किस बेस का लिया मैंने? खाली बेस है मतलब 10, है ना? आप कोई भी बेस का ले सकते हो, कोई भी बेस का। लॉग 4 का डबल, डबल ऑफ लॉग 4 मस्ट बी इक्वल टू लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 8, विच इज ट्रू। ये कितना आ गया? ये आ गया आपके पास लॉग ऑफ 8 इंटू 2, है ना? 16। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी और ये 2 जो है 4 की पावर में पहुंचा दो, कितना आ जाएगा? लॉग ऑफ 4 स्क्वायर, दैट इज लॉग 16। देखा ना आपको, बीच वाले टर्म का डबल जो है वो अगल बगल वाले टर्म के सम के बराबर आ रहा है। अगर ऐसा होता है कभी भी तो इसका मतलब वो तीनों नंबर्स एपी में होते हैं। क्या ये बात अपन इंग्लिश में लिख ले? अब लिखिए, क्या लिखेंगे अपन? इफ ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए बी सी आर इन जीपी, वन सेकेंड, सिस्टम हैंग हो गया, 2 मिनट रुक जाइए। आर इन जीपी देन क्या हो गया जिसको? बहुत बढ़िया। देन लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी आर इन ए पी, ठीक है? और उल्टा, उल्टा मतलब क्या होता है कि अगर, अच्छा इसमें आप क्या लिख दो? एंड भारी वर्षा, ठीक है? यहां पे भारी वर्षा भी हो जाएगी, मतलब वाईसी वर्षा भी हो जाएगा, कि अगर तीन नंबर जीपी में है तो उनका लॉग एपी में आ जाएगा, अगर तीन नंबर एपी में है तो उनका लॉग जीपी में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? नंबर जीपी में है तो लॉग एपी में है, और अगर नंबर एपी में है तो लॉग जीपी में। वैसी वर्षा लिख के अपन ने वो चीज भी एक बार में कवर कर ली। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं अपन अब।
अच्छा देखिए, अपने पास जो टर्म्स एट इक्वल डिस्टेंस होती है ना, इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? अंग्रेजी ने कॉम्प्लिकेट ही तो किया है सब कुछ। आरआर हरी तो गुस्सा आया सिस्टम को, अरे यार मत पूछो यार, काफी दुख हुआ मुझे भी। चलिए लेकिन कोई बात नहीं, सबसे अंडररेटेड टीम है अपनी। तो मैं आपको क्या बता रहा था, भूल गया मैं यार, एक पॉइंट याद आया था बड़ा अच्छा, भूल गया मैं, तुम लोग भी ना। हाँ याद आ गया, अगर फिर भूल गया, इक्विडिस्टेंट टर्म्स। ओके, तो अगर अपने पास तीन टर्म्स है जो कि इक्विडिस्टेंट है, जस्ट लाइक एपी, मान लीजिए मेरे पास 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, लाइक दैट, ये सब क्या चल रहा है, ये एपी चल रहा है। और अगर मैंने इसमें इक्विडिस्टेंट टर्म उठा लिया, इक्विडिस्टेंट टर्म मतलब क्या होता है कि ये वाला टर्म उठा लिया मैंने, इससे दो पहले वाला टर्म ये, और इसके दो बाद वाला टर्म मतलब ये, इसको कहते हैं अपन इक्विडिस्टेंट टर्म। मतलब इन तीनों के बीच में दो दो टर्म्स का डिफरेंस है, देखिए ना, इनके बीच में दो टर्म आ रहा है, इसके बीच में भी दो टर्म्स आ रहे हैं, लाइक दिस। तो ये इसको कहते हैं अपन इक्विडिस्टेंट टर्म्स। और अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको, है ना, A1, A2, A3, A4, A5, 6, 7, 8। ध्यान से देखेंगे तो A5, A2 और A8 ये तीनों भी GP में होंगे, तो टर्म्स इक्विडिस्टेंट, टर्म्स टेकन एट इक्वल डिस्टेंस आर ऑल्सो इन GP। ये लिखना है अपने को इंग्लिश में, हिंदी में तो समझ में आ गया अपने को कि हाँ यार, अपन ने अगर इक्वल डिस्टेंस पर ले लिया टर्म्स तो वो GP में कहलाएंगे। तो किसी GP के, अपने पास ऑलरेडी एक जीपी था, उसमें हमने क्या करा, बस तीन टर्म्स उठाई, और तीन टर्म्स ऐसे उठाया है कि वो तीनों इक्वल डिस्टेंस पर है ना, समझ में आ रहा है? इक्वल डिस्टेंस मतलब ये भी इससे 2 यूनिट पीछे, ये भी इससे 2 यूनिट आगे है, 2 यूनिट मतलब दो नंबर्स आगे, तो दे आर ऑल्सो इन जीपी। पहले मैं इसको अंग्रेजी में लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर लिखिए, टर्म्स टेकन एट इक्वल डिस्टेंस ऑल्सो फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ठीक है। अच्छा ये वाला एग्जाम्पल जो, इसको अपन अभी हटा देते हैं, लिखिए एग्जाम्पल गिवन, इफ A1, A2, A3, A4, A5 टिल AN आर इन GP, देन कोई भी तीन टर्म्स ले लो आप, है ना, जैसे अपन ने क्या लिया था, A2, A5, A8। चलो पहले थोड़ा मैं इजी एग्जांपल लिखवाता हूँ, रुक जाओ आप, लिखिए फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड छोड़ दो थर्ड टर्म, फिर फोर्थ छोड़ दो फिफ्थ टर्म, आर ऑल्सो इन GP है ना, और सेकंड टर्म फोर्थ छोड़ दो, फिफ्थ टर्म सिक्स्थ छोड़ दो, सेवेंथ टर्म आर ऑल्सो इन GP ठीक है। सबको अपन इक्वल डिस्टेंस पर ले रहे, एक एक छोड़ के। अब दो दो छोड़ के अगर लेंगे तो ऐसा देख लो आप, है ना, A2 दो छोड़ दो, A3 छोड़ दो, A4 छोड़ दो, तो क्या आएगा A5, फिर 6 और 7 छोड़ दो तो A8, जो कि मैंने आपको अभी अभी समझाया था, आर ऑल्सो इन GP एंड सो ऑन। तो इसको इन जनरल अपन लिख देते, इन जनरल आप क्या कह सकते हो कि अगर मैंने बीच में कोई kth टर्म उठा लिया, kth, समझ में आ रहा है ना, kth टर्म उठा लिया, तो उस k से एक काम करते हैं, nth टर्म बोल देते, थोड़ा आसान लगता है ना सुनने में, nth टर्म अगर उठा लिया तो उस n से k टर्म आगे वाला टर्म,
और के पीछे वाला टर्म, ये तीनों टर्म भी जीपी में होगा, ये तीनों भी जीपी में होंगे। तो आप क्या कह सकते हो, अगर ये तीनों जीपी में हैं, तो जीपी में मैंने आपको क्या फंडा बताया था बच्चों, कि बीच वाले का स्क्वायर क्या होना चाहिए, अगल बगल वालों का प्रोडक्ट, अगल बगल वालों का प्रोडक्ट। अच्छा, ये चीज कहां से आई है, ये चीज कॉमन रेशियो से आई है, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करोगे और थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म करोगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये रटने वाली बात नहीं, ऐसे लिख दिया अपन ने थोड़ा स्टाइल मारने के लिए ना। बाकी अपने पास सारे फंडे क्लियर है, लेट अस सॉल्व सम फ्यू मोर क्वेश्चंस। पहले आप यहां तक लिखिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। पहले अपन एक बहुत इजी क्वेश्चन करेंगे, वेरी 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 इजी क्वेश्चन, जैसे कि जो एनसीईआरटी में आता है, बीच वाले में चेंज करो कुछ, कर लो ना, खुद से ही कर लो, क्या दिक्कत है। मैंने आपको बताया ना, जैसे मैंने यहाँ पे दो स्किप करा है ना, और यहाँ पे एक एक स्किप करा है, आप चार स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास जो भी सीरीज आएगी वो जीपी में आएगी। और अपन क्या क्या प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, जीपी में आगे से पहला टर्म और पीछे से पहला टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो बराबर होता है आगे से सेकेंड और पीछे से सेकेंड, या आगे से थर्ड इंटू पीछे से थर्ड, प्रोडक्ट बराबर होता है। एपी में सम बराबर होता था, एपी में सम बराबर होता था ना। तो सबसे पहले मैं एक बहुत आसान क्वेश्चन देता हूँ, ताकि हम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आए कि चल क्या रहा है भाई। फाइंड द सम ऑफ जीपी, फर्स्ट क्वेश्चन। चलो डायरेक्टली टू, टू बाय थ्री स्क्वेयर, टू बाय थ्री क्यूब, कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो अपने को इन्फाइनाइट टर्म्स का सम निकालना। आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग फॉर्मूला अभी भूल गए होंगे, क्योंकि अपना एक दिन का गैप हो गया है ना, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करी तो आप नहीं भूलोगे। तो पहले मुझे आप ये बताइए कि फर्स्ट टर्म क्या है, टू। कॉमन रेशियो क्या होता है, देखो जिसको भी कॉमन रेशियो में दिक्कत जाती है, कैसे निकालो आप, कोई भी एक टर्म ले लो, कोई भी एक टर्म, मैंने सेकेंड ले लिया, उसके पिछले वाला टर्म क्या है, टू। हाँ, तो दैट टर्म टू बाई थ्री डिवाइडेड बाय उसके जस्ट पीछे वाला टर्म कितना आ जाएगा, ये वन बाई थ्री। तो कॉमन रेशियो आ गया आपका वन बाई थ्री, है ना। मतलब हो क्या रहा है, समझो इस चीज़ को, कि इसमें वन बाई थ्री मल्टीप्लाई करा है तब जाके टू बाई थ्री मिला है, फिर टू बाई थ्री में दोबारा वन बाई थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टू बाई थ्री स्क्वायर मिलेगा, एंड सो ऑन, है ना। तो आपके पास सम टू द इन्फाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या होता था, ए अपॉन वन माइनस आर। याद आया क्या, याद नहीं आया तो अभी देख लो, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास, टू अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो कितना है, वन बाई थ्री। इतना सही फॉर्मूला होता है इन्फाइनाइट टर्म्स का। तो ये क्या आ जाएगा, टू अपॉन वन माइनस वन बाई थ्री, वन माइनस वन बाई थ्री कितना होता है, टू बाई थ्री। तो टू अपॉन टू बाई थ्री, दैट विल बी थ्री, ऊपर उचक के चला जाएगा और टू और टू कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा आपके पास थ्री, ठीक है। तो सम टू द इन्फाइनाइट टर्म्स क्या आ जाएगा आपके पास, थ्री। आ रहा है क्या समझ में। तो ये तो एक बेसिक एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द सम टू द टू टेन, टू द टेन टर्म्स ऑफ द जीपी, है ना। जीपी लिख रहा हूं मैं आपके सामने, काफी आसान सा जीपी है। टेन टर्म्स तक का आपको सम निकालना है। तो सबसे पहले आप एस एन का फॉर्मूला बताइए, एस एन का फॉर्मूला क्या होता था, ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, है ना, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कि मृणाल ने लास्ट लेक्चर में पूछा था कि सर वन जो आपका कॉमन रेशियो है वो वन से बड़ा हो गया और वन से छोटा हो गया, तो उसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, नहीं होते, अलग अलग फॉर्मूले नहीं होते। आप धीरे धीरे अपने आप मैच्योर हो जाओगे, आपको वो डिफरेंस समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं वो चीज़ पढ़ाता नहीं हूँ,
ठीक है, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ही समझा दूंगा, बट मैं आपको कभी भी ऐसे गाइड नहीं करूंगा कि दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, क्योंकि क्या होता है ना, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहीं पे जब कॉमन रेशियो, इधर देखो प्लीज प्लीज, कॉमन रेशियो अगर वन से बड़ा आ गया तो नीचे वन माइनस आर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, वन माइनस आर नेगेटिव आएगा। तो वो लोग क्या करते हैं ना, बोलते हैं कि अगर वन से बड़ा है तो आप ऐसा लिख लो, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अगर कॉमन रेशियो वन से बड़ा है तो बहुत सारी बुक्स बोलती है कि आप फॉर्मूला ऐसा लिख लो, अगर कॉमन रेशियो वन से छोटा है तो ये वाली चीज़ पॉजिटिव आएगी, कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा, है ना। और ये भी अपने आप पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये भी चीज़ जो है वन से छोटी आएगी, वन से छोटी है तो पावर डालोगे तो और छोटा होगा। तो क्यों याद करना है सब यार, अपने आप आता है आंसर आपका, आप एक ही फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। आप धीरे धीरे खुद ही मैच्योर हो गए ना, मैं आपको अपने आप डेवलप होने दूंगा वो सब चीज़ के लिए। तो सम टू द 10 टर्म्स निकालना है, तो जहाँ जहाँ दुनिया में जिधर जिधर एन है वहाँ वहाँ आपको 10 रखने का, और फिर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3, लिख देते हैं अपन, फर्स्ट टर्म इज 3, व्हाट विल बी द कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म दैट इज 2, है ना। तो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ जो जो डालना है डाल दो, एक ही जगह आप क्या डालोगे 3 इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर में क्या आ जाएगा 10, क्योंकि n की जगह कितना 10 डालना है आपने को, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इज 2 हेयर। अभी आप देखो ना यार कितना ईजी है, ये 1 माइनस 2 नेगेटिव आ गया, कोई बात नहीं, ऊपर भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो 3 इंटू 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024, ये तो मेरे को याद है, 2 की पावर 10 होता है 1024, और 1 माइनस 1024 कितना आ जाएगा, माइनस 1023, डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ गया माइनस 1, खिचिक खिचिक कैंसिल हो गया माइनस, कोई टेंशन ही नहीं है ना अपने को, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि अपने को 1 से बड़े के लिए क्या करना है, सब अपने आप होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3069, जो कि ऑलमोस्ट सबका ही आंसर आया है एज आई कैन सी। ओके बहुत बढ़िया, लास्ट वाले का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का भी आंसर सबने ही दिया था और इस वाले का भी सब कोई दे रहे, ठीक है। तो सागर मैं आपको यही कह रहा था कि हम लोगों ने जीपी के बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करे थे ना, इस कारण आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो कैसे आएगा, अभी धीरे धीरे आएगा, पेशेंस रखा करो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फॉर्मूला याद हो गया आपको, इन्फिनिट टर्म्स के लिए क्या करते हैं अपन, ये वाला जो चीज़ होता है ना, ये वाली चीज़ इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि इन्फिनिट टर्म्स के लिए ये आर जो होता है ना, आर की पावर एन, वो जीरो की तरफ टेंड करने लग जाता है, मैंने आपको सिखाया था वो वाली चीज़। अगला क्वेश्चन लिखिए, द सम ऑफ एन इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 15 एंड द सम ऑफ देयर एंड द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स इज 45। आपको क्या करना है, आपको पूरी सीरीज फाइंड करनी है, फाइंड द सीरीज। क्वेश्चन लिखिए पहले और समझिए क्वेश्चन को, देखता हूं मैं किसका आंसर आता है यहां पे। थर्टी फाइव एंड 41 का मेथड बता देता हूं मैं आपको, रुको। अच्छा ठीक है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। हाँ भाई इसको सॉल्व करते हैं अपन, पहले देखिएगा, द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 15,
तो एस इन्फिनिटी कितना दे रखा है आपको, 15। इन्फिनिट टर्म्स का अगर सम करते हैं तो 15 आता है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स इज 45। तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम। अब जीपी को क्या अज्यूम करेंगे अपन, सागर ने एकदम वही बात पूछ ली है जो मैं आपको लास्ट टाइम पे समझा रहा था। देखो सागर, अगर बहुत आपका जो डाउट है दैट इज वेरी बेसिक, लेकिन अपन इस बारे में पढ़ चुके हैं। इनफाइनाइट टर्म्स में भी एक कंडीशन आती है। देखो आपके नोट्स खोलो, नोट्स खोलो और इधर देखो, मैं आपको समझाता हूँ एक चीज। ये कहाँ पे आ गए अपन, लेक्चर नंबर 5, इधर ही तो था सब कुछ। हाँ देखो इधर सागर, क्या बताया था मैंने आपको, एन इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, लेकिन साथ में आपका आर पिद्दू होना चाहिए, दोनों कंडीशन होनी चाहिए ना। आर शुड बी इन बिटवीन -1 to 1। अगर आर पिद्दू नहीं है तब तो प्रोडक्ट डेफिनेटली इन्फिनिट होगा, तब तो प्रोडक्ट डेफिनेटली इन्फिनिट होगा। अगर आपका कॉमन रेशियो जो है वो पिद्दू मतलब क्या होता है, 0 पॉइंट समथिंग टाइप का या -0 पॉइंट समथिंग टाइप का ऐसा नंबर है, तो उसकी पावर में अगर इन्फिनिटी डालते हैं अपन ना तो वो जीरो होता है हमेशा। छोटे नंबर की पावर में अगर आप बहुत बड़ा नंबर डाल दोगे तो वो जीरो हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या, छोटे नंबर की पावर में अगर बहुत बड़ा नंबर डाल देते हो तो वो जीरो हो जाता है, तभी अपन इसको जीरो लिख देते हैं। तो दो कंडीशन होती है, आपका नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिट इन्फाइनाइट होनी चाहिए, एट द सेम टाइम कॉमन रेशियो शुड बी वेरी स्मॉल, 0 पॉइंट समथिंग टाइप का कॉमन रेशियो शुड बी बिटवीन -1 to 1, -1 से 1 के बीच में कॉमन रेशियो होना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट डाउट क्या आएगा कि सर अगर कॉमन रेशियो जो है वो 1 से बड़ा है और तब भी नंबर ऑफ टर्म्स इन्फाइनाइट है, तब आपका जो प्रोडक्ट है जीपी का वो क्या आएगा। तब आप बोल सकते हो कि हाँ तब इन्फाइनाइट आएगा, क्योंकि आप 1 से बड़े नंबर, फिर ये जो आपका जीपी हो गया ना वो इंक्रीजिंग जीपी हो गया, फिर बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, है ना। बट ये अगर आर आपका जो कॉमन रेशियो है वो 0 पॉइंट समथिंग टाइप का होता है तो आपकी जो जीपी होती है वो डिक्रीजिंग हो जाती है। डिक्रीजिंग जीपी मतलब हर टर्म जो है वो छोटा होते जाता है, तो फिर आखिरी तक इन्फिनिटी तक तो बहुत छोटा होता जाएगा, है ना। फिर उसका सम करना है अपने को, प्रोडक्ट नहीं करना है, सम करना है, मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहे अपन, है ना सागर, जैसे कि आप बोल रहे हो सम कर रहे हैं हम लोग। तो आपका डाउट क्या है कि सम इन्फिनिट होना चाहिए था लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो स्पेशल केस होता है कॉमन रेशियो वो हमेशा छोटा होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या लिखा है, एस इन्फिनिटी। अच्छा मैं मान लेता हूँ कि सीरीज जो है अपने पास वो ये है, लेट द नंबर्स बी ए ए आर ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब, ये आपका सीरीज होना चाहिए, है ना। अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि इसमें एस इन्फिनिटी लिखो तो आप एस इन्फिनिटी कैसे लिखोगे, ए अपॉन 1 माइनस आर, और ये गिवन 15 के बराबर, ये है हमारा जीपी। अगर मैंने इस जीपी को स्क्वेयर करा, सारे टर्म्स को स्क्वेयरिंग करा, स्क्वेयरिंग ऑल टर्म्स, तब एक केस और दे रखा है अपने को कि स्क्वेयर करने पर फिर से आप सम निकालोगे तो वो 45 आएगा। तो इतना तो अपने को पता है कि स्क्वायर करने पर जो GP2 बनेगा अपने पास, दैट विल बी हर टर्म का स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 ए स्क्वायर आर टू द पावर 6 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब अगर आप फिर से सम टू द इन्फाइनिट टर्म्स निकालोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म, इस बार फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर हो गई है, अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या हो गया है, कॉमन रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, ये करो ना डिवाइड, ए स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, कितना आ गया कॉमन रेशियो, आर स्क्वायर आ गया, तो 1 माइनस आर स्क्वायर, नाउ दिस इज गिवन एज 45। अच्छा कितने अननोन है अपने पास, वी हैव टू अननोन्स, ए एंड आर, ए एंड आर, एंड हाउ मेनी इक्वेशंस डू वी हैव टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो टू इक्वेशन टू अननोन्स सॉल्व आराम से होता है ना, आराम से सॉल्व कर लो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है और सेकंड इक्वेशन दोनों को कैसे अपन क्या करें, सोचने दो एक काम करते हैं कि
फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वेयर कर देते हैं, अद्वैत जैसा। हाँ ठीक है समझ गया, आपका पहला आंसर मैंने देखा था वो गलत है, बट आपने सही दिया अभी। देखो भाई पहली इक्वेशन क्या थी अपने पास, ए अपॉन 1 - r = 15, इसको मैंने स्क्वेयरिंग करा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्यों स्क्वेयरिंग करा, क्यों भाई सपना आया क्या मेरे को स्क्वेयरिंग करने का? नहीं, यहाँ पे भी ए स्क्वेयर है ना, तो इधर भी ए स्क्वेयर बना देता हूँ मैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। ए स्क्वेयर अपॉन 1 - r का होल स्क्वेयर, ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 15 का होल स्क्वेयर, है ना। और सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये है। अच्छा इसको मैं थर्ड कह देता हूँ स्क्वेयर करने के बाद। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड थर्ड इक्वेशन बाय सेकेंड इक्वेशन, क्यों, ताकि ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर कट जाए, है ना। तो देखिए LHS और LHS को डिवाइड कर देते हैं, तो ए स्क्वेयर अपॉन 1 - r का होल स्क्वेयर, LHS अपॉन LHS इज इक्वल टू RHS अपॉन RHS। RHS किधर है, कितना उधर 45, और उधर का LHS कितना है बच्चों, ए स्क्वायर अपॉन 1 - r स्क्वायर, सही है। अच्छा ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर अब कट जाएगा, ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट जाएगा जब रेसिप्रोकल होगा, तो व्हाट विल वी गेट, देखिए क्या आ जाएगा, ये उचक के ऊपर चला जाएगा 1 - r का होल स्क्वायर, तो 1 - r का होल स्क्वायर अपॉन 1 - r होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 15 स्क्वायर अपॉन 45, 5 आ गया RHS में, और ये 1 - r स्क्वायर एलिफेंट प्लस कैमल, एलिफेंट माइनस कैमल आ जाएगा अपॉन 1 - r का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5, डिस्काउंट डिस्काउंट क्या बचा, 1 + r अपॉन 1 - r इज इक्वल टू 5, तो 1 + r इज इक्वल टू 5 - 5r, ठीक है, तो 6r इज इक्वल टू 4, तो r आ जाएगा यहाँ से आपके पास 2/3, कॉमन रेशियो 2/3 आता है तो आपकी सीरीज आ जाएगी। अच्छा फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं अपन, है ना, फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, कॉमन रेशियो तो आ गया है, फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, पुट कर दो ना यहाँ पे, जस्ट पुट इन फर्स्ट, ठीक है, पुट इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में अगर आपने पुट किया तो a अपॉन 1 - r, a अपॉन 1 - 2/3, दिस इज इक्वल टू 14, तो 1 - 2/3 कितना हो जाएगा, 1/3, और 1/3 को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो 15 × 1/3, तो a आ जाएगा आपके पास 5, तो फर्स्ट टर्म आ गया 5, कॉमन रेशियो आ गया 2/3, देयरफॉर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज फर्स्ट टर्म इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना होता है 2/3 का होल स्क्वायर, सॉरी a इंटू आर, फिर a इंटू आर स्क्वायर, ये आ जाएगी आपके पास GP, ठीक है। अगला लिखे फोर नंबर्स, आर इन जी पी, तो अद्वैत आपका आंसर ये सही आया था, विवेक आपका भी सही आया था, बाकी मैंने उसके बाद कमेंट देखा नहीं, अभी मैं देखूंगा, ये क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, देयर सम इज 85 एंड प्रोडक्ट इज 4096, फाइंड देम सर, ए इंटू 1 - r, अच्छा हाँ सीरीज में ऐड करते, इसलिए तो मैंने इसको प्रोग्रेशन बोला, इसको अपन ने प्रोग्रेशन बोला है अभी, और ये वाली चीज भी प्रोग्रेशन है, जीपी है ना, मैं यहाँ पे सीरीज नहीं लिख रहा हूँ, ये जीपी है, लेकिन ऐड कर दोगे अगर आप इसको तो वो सीरीज बन जाएगी, सिंपल है ना, प्रोग्रेशन को आपने ऐड कर दिया तो वो सीरीज बन गई, ठीक है, बोलने में इधर उधर हो जाए तो आप समझ जाना। फोर नंबर्स आर इन जीपी हुज सम इज 85, अच्छा फोर नंबर्स कैसे लेते हैं,
सबसे पहले बताइए आप थ्री नंबर्स कैसे लेते हैं। सबसे पहले आप ए लिखो, फिर उसमें चुपके से ए आर मल्टीप्लाई करो और आर डिवाइड करो। अब चार नंबर लेना तो बीच वाला हटा दो, कितना हो गया कॉमन रेशियो, ए आर अपॉन आर स्क्वायर हो गया ना, तो ये हो जाएगा ए आर क्यूब और ए बाय आर क्यूब। समझ में आया ना, ये याद रखने का तरीका है। आर स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करा और आर स्क्वायर इसमें डिवाइड करा, पीछे में डिवाइड करते हैं आगे जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो दीज आर फोर टर्म्स इन एपी, तो आप क्या करोगे, जीपी सॉरी, लेट द फोर टर्म्स इन जीपी इज इक्वल टू दीज। ओके नाउ आपको क्या बोला कि इन सब का प्रोडक्ट, तो इन सब का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इन सब का प्रोडक्ट देखिए क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, क्योंकि ये आर क्यूब और आर कितना आ जाएगा, आर की पावर 4 और ऊपर भी आर की पावर 4, वो सब कैंसिल हो जाएगा। दिस प्रोडक्ट हैज बिन गिवन एज 4096, तो प्रोडक्ट अपने को दिया हुआ है। अच्छा 4096 एक खूबसूरत नंबर होता है, 4096 जो होता है इट्स अ ब्यूटिफुल नंबर। सोचिए क्या है, 4096 एक्चुअल में इट इज अ स्क्वायर ऑफ सम नंबर राइट, इंटू 1024 क्या होता है, 2 की पावर 10 ना। अच्छा ठीक है, ये आप सोचो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4096, इसके नजदीक में कोई परफेक्ट स्क्वायर सोचते हैं अपन तो 60 × 60 नियरेस्ट है, 6 × 36, 3600 राइट, 3600 60 × 60 होता है। तो ये क्या होगा, या तो ये 66 का स्क्वायर होगा या तो ये 64 का स्क्वायर होगा। इट मेक सेंस एक्चुअली राइट, क्योंकि 6 आखिरी में आ रहा है ना, वो कब आ सकता है, जब नंबर खुद 66 हो या 64 हो, और 60 से तो बड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि 60 का स्क्वायर 3600 है, तो 4000 तक पहुंचने के लिए आइदर इट विल बी 64 और 66, 64 होगा वो, है ना। क्यों 64 होगा, क्योंकि ये फिर 8 की पावर 4 बन जाएगा, है ना, सिक्स सेंस भी कुछ होता है, वरना आप करके देख ले, ये आ जाएगा 8। फिर आपको कहा गया है कि सम, अच्छा इनका सम निकाल लेते हैं अपन। सम क्या है, सम में देखिए क्या हो जाएगा, ए बाय आर क्यूब प्लस ए बाय आर प्लस ए आर प्लस ए आर क्यूब, है ना, ये हो जाएगा सम। और ये सम आपको दिया हुआ है 85, तो सब में ए कॉमन आ जाएगा, तो ए कॉमन ले लिया मैंने, ए कितना है 8, वो कॉमन ले लिया, और 1/r³ प्लस 1/r प्लस आर प्लस आर क्यूब दिस इज इक्वल टू 85। सोचो अब यहां से क्या कर सकते हैं अपन, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करना सबसे बड़ी मिस्ट्री है ना। तो यहाँ पे आप क्या करो, आपके पास अगर रेड कलर का इंक हो या ब्लैक कलर का हो तो यहाँ पे हाईलाइट कर दो कि दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न, ये वाला स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे अपन यहाँ पे, वी विल टेक द लाइक टर्म्स टुगेदर, जैसे आर क्यूब है और ये वाला आर क्यूब है, मतलब 1/r³ और आर क्यूब, इसको मैं साथ में लिखूंगा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ देखते जाइए आप लोग, इस क्वेश्चन में हमको बस यही सीखना था, क्योंकि आपको ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे फिर। तो 1/r³ प्लस आर क्यूब, इनको साथ में लिखा मैंने, और ये 1/r और आर, इन दोनों को भी साथ में लिखा, दिस इज इक्वल टू 85। अच्छा आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब पता है क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पता है आप लोगों को, नहीं पता क्या, चलिए ए प्लस बी होल क्यूब पता है, ये तो पता ही होगा, लिख दूं मैं, चलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। अरे समझ में आ रहा है ना, ये आइडेंटिटी तो सबको याद है, भूल तो नहीं गए। यहां से आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल सकते हो, ये वाले आइटम को एलएचएस में फेंक दो, तो आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचेगा आरएचएस में, जो कि बन जाएगा
ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि आर क्यूब प्लस 1/r³ में भी ये चीज लगा सकते हैं अपन। कैसे लगाएंगे? ये हो जाएगा आर प्लस 1/r का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी। अरे यार करो जल्दी से, आर इंटू 1/r, ये तो 1 आ जाएगा, और ए प्लस बी कितना हो जाएगा, आर अपॉन 1+r। तो ये चीज क्या बन जाएगी, आर क्यूब प्लस 1/r³, ये बन जाएगा आपके पास आर प्लस 1/r का होल क्यूब माइनस 3 इंटू आर प्लस 1/r। दिस स्टेप जिसको मैं भी मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, ये आपको दिन में 2 बार रिवाइज करनी है। जैसे आपको बुखार आता है तो आप दिन में 2 बार दवाइयाँ लेते हो ना, पैरासीटामोल, उसी तरह आपको ये दिन में 2 बार रिवाइज करनी है। हाँ ठीक है, आपका आंसर माइनस आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए बी आता है। एनीवे लिख लो इसको, यहाँ पे लिख लो इसका डोज है दिन में 2 बार, ये आपको रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि रट रहे अपन, ना अपन रट नहीं रहे, बट जितना आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेन उससे यूज टू हो जाएगा। तो आप एग्जाम में अगर ये चीज़ देखते हो ना, तो यू आर यूज टू इट, एंड इफ़ यू आर यूज टू इट आप इसमें टाइम नहीं वेस्ट करोगे, और सब कुछ टाइम का ही खेल है। तो मैंने क्या करा, ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब था उसको क्या लिख दिया, ये चीज़ लिख दिया। तो आपके पास अभी ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, देखिए चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, 8 इंटू ये वाला आइटम, ये वाला आइटम क्या बन जाएगा, ये चीज r प्लस 1/r का होल क्यूब माइनस 3 इंटू आर प्लस 1/r, है ना, प्लस ये तो यहां पे पहले से ही था r प्लस 1/r, दिस इज इक्वल टू 85। अब गरीब से गरीब बच्चा भी बता देगा कि सर r प्लस 1/r बहुत दिख रहा है मुझे, क्यों ना आप इसको प्यार से टमाटर बोल दो। तो r प्लस 1/r को अपन क्या बोल देते हैं, t बोल देते हैं। तो 8 इंटू क्या लिखा है अपने सामने, देखिए t क्यूब माइनस 3t प्लस t कितना हो जाएगा, माइनस 2t, दिस इज इक्वल टू 85। एक क्यूबिक बन रही है, क्यूबिक को अपन सॉल्व कर लेते हैं, है ना, क्यूबिक को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 80 क्यूब माइनस 8 to the 16t माइनस 85, दिस इज इक्वल टू 0। क्यूबिक को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, कोई तरीका नहीं होता है ना, स्वयं अगर हनुमान जी भी आ जाएंगे तो वो भी क्यूबिक को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उनके पास भी कोई तरीका नहीं है। तो क्या करें अपन, हिट एंड ट्रायल करेंगे। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है कि आप यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव डाल के देखो और क्या, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा आएगा। मैं क्या करता हूँ ना, मेरे को तो दूर ये 85 काफी बड़ा है ना, ये 85 सारा खेल बिगाड़ चुका है। 2 मिनट सोच लेते ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 80 और 16t ठीक है, 80 और 16t तो आपको क्या मिलेगा ना, यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैं एक और सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ कि 2t जो है उसको बोल देते हैं अपन, हमने x यूज़ कराएगा यहाँ पे एक बार भी नहीं किया ना, तो 2t को मैं x बोल देता हूँ, है ना। तो 2t x हो गया अगर, तो ये चीज़ x क्यूब माइनस 8x माइनस 85 बन जाएगी, ठीक है, क्यूबिक छोटा हो गया। अगर क्यूबिक छोटा हो गया है तो इसके फैक्टर सब आराम से मैं निकाल सकता हूँ ना, वी विल डू सम हिट एंड ट्रायल वेरी वेरी रैपिडली, है ना। देखिए अब कितनी फास्ट में हिट एंड ट्रायल करता हूँ इधर। सबसे पहले आप क्या करो, 1 डालो, 1 से कोई चांस ही नहीं बन रहा ना, 1 - 8 ना 0 नहीं आएगा। अच्छा एक चीज़ और समझ में आ गया मुझे कि 2, 3 से भी नहीं आएगा, क्योंकि ये 85 इज इट्स अ वेरी बिग नंबर। 4 से आ जाएगा क्या, हाँ 4 से आ सकता है, 4 4 = 16, 16 4 = 64, माइनस 8 4 = 32, ओ यार माइनस 85 तो नहीं बन रहा है,
अच्छा नेगेटिव नंबर आपको नहीं लेना है, क्योंकि मान लो आप -4 लेते हो तो देखो क्या आ जाएगा, 64 माइनस -4 आ जाएगा 32, 64 प्लस 32 वैसे भी एक्सीड कर जाएगा। 5 डाल के देखते हैं, 125 माइनस 85 जा 40 माइनस 85, हाँ ये जीरो आ गया। ठीक है, जनरली 5 तक जाता नहीं है, बट अपन ने हिम्मत रखी और 5 आ गया अपने पास। तो इसका फैक्टर आप आराम से लिख सकते हो, एक फैक्टर आ जाएगा आपके पास x माइनस 5। अगर एक फैक्टर x माइनस 5 है तो ये आपको मैं सिखा चुका हूँ गरीब बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं, गरीब बच्चों का मेथड भी अपने को पता होना चाहिए। ये होती गरीबी, है ना, कि आपने क्या करा x माइनस 5 से उसको डिवाइड करा और फिर निकाला। मतलब ये मेथड बुरा नहीं है, कद्दू नहीं आ रहा है, ये मेथड बुरा नहीं है, बट इट्स अ टाइम टेकिंग मेथड, है ना। तो मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ, क्या करो ऑलवेज ट्राई टू, देखो अब आपका 110% कंसेंट्रेशन अगर स्क्रीन पे होगा तो आप एक बहुत कूल चीज समझ जाओगे, कूल वेरी कूल। देखिए सबसे पहले क्या करो आप, एक्स इंटू की एक्स क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म को आपने बना दिया। फिर आप देखो माइनस फाइव पर क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 85 आ जाए, तो डेफिनेटली कुछ नेगेटिव नंबर ही, सॉरी कुछ पॉजिटिव नंबर ही होगा। माइनस फाइव पर क्या मल्टीप्लाई करें कि 85 आ जाए, 17, समझ में आ रहा है ना, 17 5 85 होता है। ये आ गया आपका फर्स्ट टर्म आ गया, लास्ट टर्म आ गया। अब आपको बीच वाला टर्म जो है वो 8x लाना है, फटाफट आ जाएगा 8x। देखिए कैसे आएगा, x कब आएगा, जब ये x इंटू 17 होगा, x इंटू 17 मतलब 17x। बस मेरे को 1x चाहिए, क्या चाहिए मुझे, 1x चाहिए। नहीं मैंने सही किया है क्या, 8x प्लस 17x y एक्स स्क्वायर प्लस 17, वन सेकेंड सोचने तो दो यार, माइनस 25, 17x है मेरे पास ना, और मेरे को 18 चाहिए, तो 5 पे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को 18 मिल जाए। ये थोड़ा सा दुविधा वाला क्वेश्चन हो गया ना, प्लस 1 माइनस, चलो एक काम करते हैं कुछ और तरीके से देखते हैं। ये x क्यूब आ गया आपके पास, ओ ऐसे कर ले क्या, माइनस 5x स्क्वायर आएगा इधर से, तो इधर से प्लस 5x स्क्वायर, वेरी गुड। और एक और मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, देखिए क्या यहाँ पर इस वाली क्यूबिक पर एक्स स्क्वायर है, नहीं है ना, अरे भाई एक्स स्क्वायर नहीं है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 0 मान सकता हूँ मैं पक्का। तो देखिए माइनस 5 और एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा अपने को, माइनस 5x स्क्वायर, है ना, और अपने को 0 चाहिए, तो डेफिनेटली अपने को 5x स्क्वायर प्लस का चाहिए होगा। दिस इज आवर रिक्वायरमेंट जो मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ। तो आप ऐसे सोचो कि x पे क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं कि 5x स्क्वायर आ जाए, तो x पे आप 5x का मल्टीप्लाई करोगे तो 5x यहाँ पे ऐड कर दो। अभी सब कुछ बैलेंस है, सब जादू से बैलेंस हो गया। ये वाले तरीके में आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगेगा, वरना आप क्या ज़िंदगी भर यही करते रह जाओगे। ये बेकार तरीका नहीं है लेकिन टाइम लगेगा ना यार, समझो इस बात को। ये परफेक्ट है, दिस इज सर, व्हाट अबाउट 3 आउटसाइड द ब्रैकेट है, 3 था क्या आउटसाइड द ब्रैकेट, नहीं 3 तो नहीं था कहीं पे भी, 8 था आउटसाइड द ब्रैकेट, लेकिन उसको मैं अंदर ले गया ना, 8 को अपन अंदर ले गए। हाँ जी, इसको अपन ने फैक्टराइज कर लिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाए, इसको और फर्दर फैक्टराइज करते हैं, तो इसको फैक्टराइज आप कर नहीं पाओगे, इसका डी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, 17 4 68 होता है, तो ये डी नेगेटिव आ रहा है, तो दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। इसका मतलब एक्स माइनस 5 ही 0 के बराबर होगा, इसका मतलब एक्स 5 के बराबर होगा। एक्स क्या था, 2t, तो 2t इज इक्वल टू 5, इसका मतलब t इज इक्वल टू 5/2। अच्छा t क्या था, t वॉज r प्लस 1/r, तो r प्लस 1/r t था और ये 5/2 के बराबर है। यहाँ से अब r निकाल लो, यहाँ से आप r निकाल लोगे अगर, तो देखिए कैसे निकालेंगे, r स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 5r, और ये 2 को उधर पहुँचा दिया, तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। फैक्टराइज कर देते हैं इसको, तो 2 और माइनस 5 तो ये आ जाएगा आपके पास 2 चाहिए ना आपको, सम माइनस 3
माइनस टू, एक रूट तो टू आ गया, तो आर माइनस टू, और दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से कर लेते ना, तो आ जाएगा हाफ, हाफ मतलब कितना आ जाएगा, टू आर माइनस वन। ठीक है, फैक्टराइज ही करना है आपको, नॉट अ बिग डील। आर आ गया आपके पास टू एंड हाफ, दिस इज योर आंसर। तो आर क्या हो सकता है, टू और हाफ, और ए कितना हो जाएगा, ए विल बी एट, है ना। ये क्वेश्चन जो था वो डिफिकल्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट। अच्छा, आपको दो चीज़ बताई मैंने, तो आप यहाँ पे भी एक स्टार लगा दो, ये वाला जो स्टेप है, दिस इज ऑल्सो स्टार मार्क स्टेप। आप क्या करो ना, खुद से एक क्यूबिक बनाओ, मन से एक क्यूबिक बना लो। क्यूबिक कैसे बनाते हैं, देखो क्यूबिक बनाने का तरीका काफ़ी ईजी है। एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस वन, ये क्यूबिक आपने इसको एक्सपैंड कर लो, है ना, तो आपके पास कुछ ना कुछ आएगा। उस क्यूबिक को ट्राई टू डिवाइड इट विद द हेल्प ऑफ आइदर एक्स माइनस टू, फिर एक्स माइनस फाइव और एक्स माइनस वन, तीनों से डिवाइड करो आप। लॉन्ग डिवीजन से भी डिवाइड करके देखो, और ऐसे वाले मेथड से भी डिवाइड करो, ठीक है। दिन रात मेहनत करोगे इसमें आप, तब जाके आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। काफ़ी इसमें मेहनत लगता है ना, मुझे पर्सनली बहुत टाइम लगा था, क्योंकि टीचर्स क्या करते थे, बहुत फटाक से ऐसे फैक्टर्स निकाल देते थे, और हम गरीब बच्चे थे, 10th पास वाले जस्ट आए थे, तो हम लोग ऐसे करते थे, है ना, तो काफ़ी मुश्किल जाती थी समझने में। फिर एक दो बार बहुत प्रैक्टिस करा तो तब जाके आपको समझ में आएगा। तो वो तो यार आपके पार्ट का है ना, प्रैक्टिस वाला जो भी है, प्रैक्टिस वाला हिस्सा वो आपको ही करना है सॉल्व। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, है ना, लिखिए। थ्री नॉन जीरो नंबर्स ए बी सी आर इन एपी, ये लास्ट क्वेश्चन, मतलब आप लोग के लिए होमवर्क है ये क्वेश्चन। इसके बाद अपन कल मिलेंगे। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि मैंने किसी एक नंबर, जैसे कि फर्स्ट को इंक्रीजिंग ए बाय वन एंड इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग सी बाय टू, अगर ऐसा कर दिया अपने, द नंबर्स आर इन जीपी, ये कर देने से नंबर जीपी में आ जाते हैं, देन फाइंड बी, है ना। क्वेश्चन को लिखिए आप, सर रात मेहनत के बाद क्यूबिक का कॉन्फिडेंस वरदान में मिलेगा। सही बात है ना, मजाक की बात नहीं है ना। आपको मैं कभी रेगुलर क्लास में अपने पुराने नोट्स बताऊंगा, तो उसके जो लास्ट पेजेस होते थे ना, उसमें कभी भी हम लोग वो नहीं करते थे कि गेम खेल रहे या फिर कुछ और लिख रहे या फिर लव परसेंटेज निकाल रहे हैं। उसमें हमेशा ऐसा होता था कि ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस हो रही है, या तो फिर क्या कहते हैं उसको, ये चीज़ क्यूबिक के फैक्टर डायरेक्टली निकालने की प्रैक्टिस हो रही है, तो वो बहुत मेहनत से आता है। जैसे कि अगर कोई भी बैट्समैन हो ना, तो उसको कवर ड्राइव मारना हो, तो उसको कम से कम 5000 6000 कवर ड्राइव्स मारनी पड़ेगी, तब जाके उसका परफेक्शन आएगा, तब उसकी मसल्स जो है वैसे ट्रेन होगी कि कवर ड्राइव उससे परफेक्ट लगेगा, है ना। क्योंकि सबसे डिफिकल्ट शॉट जो होता है क्रिकेट में, दैट इज़ अ कवर ड्राइव, उसमें एजेस निकलने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, तो मेरे से एक डाउट पूछा था आपने, 45 या 41 पूछा था क्या? तो 41 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं आज। सर आई हैव सेंड द होमवर्क 30th सितंबर, ध्रुवम। ओके थैंक्स, मैं चेक करूंगा अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, इजी क्वेश्चन है ना, मॉड्यूल का। एन इनफाइनाइट जीपी हैज सेकेंड
टर्म एक्स एंड इट्स सम इज 4, देन एक्स बिलोंग्स टू इसमें वैल्यू आएगी ए एंड सी की। मैं देख लेता हूँ एक बार, है ना, ये वाला फटाक से देख लेते हैं, हार्डली आपको इसमें 2-3 मिनट लगेगा। स्क्रॉल करना है स्क्रॉल पर। ओके तो इन्फिनिट जीपी है सेकेंड टर्म एक्स, तो अपन जीपी को मान लेते हैं क्या, ये मान लो आप ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब और ये इन्फाइनाइट तक इन्फाइनाइट टर्म्स तक जाएगी, है ना। सेकेंड टर्म्स सेकेंड टर्म एक्स है तो ये हो गया एक्स, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स हो गया ए आर के बराबर एंड इट्स सम इज 4। अच्छा सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स होता है ए अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, एक बात मेरे मन में अभी भी आ चुकी है कि कॉमन रेशियो जो होगा वो डेफिनेटली पिद्दू नंबर होगा, क्योंकि आप सम निकाल रहे हो ना यार, किसी जीपी का सम अगर इन्फाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है और इट इज कमिंग एज फाइनाइट तो आर शुड बी फ्रैक्शनल नंबर, छोटा नंबर होगा बस। तो ए इंटू 1 माइनस आर 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो ए की जगह आप, अच्छा आपसे पूछा क्या है, देन एक्स बिलोंग्स टू, नॉट दैट डिफिकल्ट। चलो देखते हैं ना एक्स कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, तो मेरे को एक्स को जबरदस्ती यहां पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा इस इक्वेशन में। तो क्या करूं मैं, ए आर, देखो बच्चों क्या करता हूं मैं, प्लीज यहां पे ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, जबरदस्ती यहां पे ए आर क्रिएट करने के लिए आर से मल्टीप्लाई करा और आर से डिवाइड कर दिया, कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर ऊपर क्या लिखा आपके सामने, x, ऊपर लिखा x और नीचे क्या लिखा है, r into 1 minus r, this is equal to 4, सही है क्या। अच्छा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इसको उस तरफ भेज देते हैं, x क्या आ जाएगा आपके पास, 4 into r into 1 minus r, या फिर डायरेक्टली लिख दो 4r into 1 minus r। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आर में, समझो इस बात को। तो 4r माइनस 4r स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, चाहे तो आप चलो 4 को बाहर रहने दो, कोई पॉइंट नहीं बनता ना, 4r माइनस r स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक की रेंज आप बता दो मुझे कितनी आएगी, कोई भी क्वाड्रेटिक की रेंज, समझो यार x क्या है, x इज 4 टाइम्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, 4 टाइम्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो x की रेंज क्या होगी, x की रेंज विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स इसकी रेंज, इसकी रेंज मैं निकाल के बता देता हूँ। तो r माइनस आर स्क्वायर, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, r ले लो या x में ले लो क्वाड्रेटिक, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। 35 भी डाउट है क्या, देख लेंगे अभी, है ना, आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, इसकी रेंज निकाल लेता हूँ मैं। रेंज क्या होती है, रेंज होता है माइनस डी बाय 4a से लेकर, डिपेंड करता है, ये पैराबोला उल्टा आएगा ना, क्योंकि इसमें आर स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो पैराबोला उल्टा आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस डी बाय 4a, ऐसे निकाल लो चाहे तो, या तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे इसका, माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर, ऐसा लिख दिया मैंने वाई को, परफेक्ट स्क्वायर मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, कम्फर्टेबल। तो आर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस को बाहर बोर होने दो, माइनस 1/4, चेक करके देखना ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। कैसे बनाते, ये 1 था, 1 का कोफिशियंट, आर का कोफिशियंट 1 था, उसका हाफ कर दिया मैंने, 1/2 हो गया, आर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, ये हो गया वाई। अच्छा ये पूरी चीज़ मिनिमम कब होगी, जब आर हाफ होगा, आर हाफ होगा ना, आर को हाफ रख दो तो मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 1/4, माइनस ऑफ माइनस 1/4 मतलब प्लस 1/4, मैंने एक कंसिडरेशन यहाँ पे जो है ना वो लिया नहीं क्या, क्योंकि आर एक छोटा नंबर है माइनस 1 से 1,
तो इसका ग्राफ ही बना देता हूँ मैं, 2 सेकंड लगेगा। ठीक है, ये पूरा मैं रफ में बना रहा हूँ। क्या है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है y इज इक्वल टू आर माइनस आर स्क्वायर। जल्दी से बता देता हूँ, बाकी डाउट्स कल बताऊंगा मैं ना, टाइम वेस्ट हो रहा है अभी। आर माइनस आर स्क्वायर, देखिए इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, आर इंटू वन माइनस आर। पढ़ता हूँ मैं आपके, एक रूट जीरो और एक रूट वन है, जीरो एंड वन, और आपका क्वाड्रेटिक उल्टा खुलेगा। तो ये जीरो है और ये वन है, क्वाड्रेटिक उल्टा खुलेगा। और आर क्या होना चाहिए, माइनस वन से वन, माइनस वन से वन मैंने क्या करा, एक्स एक्सिस पर मार्क करा, माइनस वन से वन है ना। जब r माइनस वन से वन होगा तो इस क्वाड्रेटिक की रेंज कितनी आएगी, इस क्वाड्रेटिक की रेंज आएगी यहां से लेकर यहां तक, ये रेंज आ जाएगी। ठीक है, कर लोगे ना आप, तो माइनस वन यहां पे डाल दो, तो माइनस वन माइनस माइनस वन दैट इज माइनस टू। ठीक है, तो इसकी रेंज मिनिमम वैल्यू आ जाएगा माइनस टू, और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा ये वाला, ये वाला वैल्यू तो मेरे को पता ही है क्या होता है, क्या होता है, जीरो और वन के बीच में क्या आएगा, हाफ, हाफ डाल दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू वन माइनस हाफ, 1/4। तो माइनस टू से लेके 1/4 इस क्वाड्रेटिक की रेंज आ जाएगी। तो यहाँ पे डाल दो माइनस टू से लेके 1/4 है ना, और 4 बाहर मल्टीप्लाइड है तो कितना आ जाएगा, माइनस एट से लेके वन, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, अच्छा उसमें हाँ ये आपका आंसर हो जाएगा ना, दिस विल बी आंसर, एक्स बिलोंग्स टू। डिफिकल्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा ही मुश्किल था, थोड़ा सा मुश्किल तो ज़रूर था ये, माइनस टू माइनस वन, एग्जैक्ट माइनस वन को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे ना, एग्जैक्ट माइनस वन हो गया तो आपका जीपी जो हो जाएगा ना, दैट विल बी कॉन्स्टेंट जीपी, या फिर समझ गए ना। बाकी मैं आपको कल बताता हूँ, ठीक है, कल मिलते हैं अपन, है ना। बाकी अपना ख्याल रखें, सर होमवर्क में ए और सी के टर्म्स में आएगा या कांस्टेंट के टर्म्स में क्वेश्चन में। अच्छा ए और सी के टर्म्स में आएगा मेरे ख्याल से, देख लेने दो मुझे। हाँ इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल टू 8 एंड बी इज इक्वल टू 12। मैच कर लेना अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है, कांस्टेंट आएगा। ठीक है चलिए फिर कल मिलते हैं, आज थोड़ा एक्सीड हो गया अपना, मैं आज चाह रहा था आपको जल्दी छोड़ दूँ लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ठीक है, मैं आपका होमवर्क दे देता हूँ, ये क्वेश्चन मुश्किल था, 41st वाला। सर आप एलन या आकाश में जो, हाँ वो सारी हिस्ट्री में आपको ऐसे नहीं बता सकता हूँ, कभी बताऊंगा।